महामारी के इस कहर में चले हम सभी मिलकर फैलाते हैं पवित्रता की लहर, शक्तियों की लहर, प्रेम की लहर, शांति की लहर, और दूर करते हैं इस महामारी का कहर। सबसे पहले हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं, अपना सारा ध्यान बाहरी सभी संकल्पों से हटाकर अपनी श्वासों की ओर लेकर जाते हैं। कीजिए भरपूरता अपनी श्वासों में, सांसों को भरिए, गहराई से भरिए। कुछ पल रोकिए, फिर छोड़ दीजिए। इसी प्रक्रिया को कुछ मिनट करते हैं, श्वास लेते समय अनुभव कीजिए परमात्मा की वाइट हीलिंग लाइट, पवित्रता की लाइट की सांस हम ले रहे हैं। इस व्हाइट लाइट को अंदर खींचिए, गहरी सांस लीजिए, रोकिए और अनुभव कीजिए ये सांस आपके अंदर पूरी तरह से भरती जा रही है इस लाइट को। जब सांस छोड़िए तो अनुभव कीजिए अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। परमात्मा की लाइट की श्वास लीजिए, श्वास को रोकिए, अनुभव कीजिए लंग्स में ये ईश्वरीय प्रकाश की लाइट भरती जा रही है। अब इस श्वास को रिलीज कर दीजिए पूरी तरह से। शांति की श्वास भरिए, होल्ड कीजिए और अंदर तक शांति को फैला दीजिए। पूरी तरह रिलीज कर दीजिए। श्वास भरिए, होल्ड कीजिए और भर दीजिए शक्तियां अपने इम्यून सिस्टम में, नस नस में ईश्वरीय ताकत जा रही है। और
और सारी कमजोरियां बाहर आ रही हैं। गहरी सांस छोड़ दीजिए बाहर। अंदर जाकर ये प्रकाश फैलता जा रहा है और अंदर के सारे कीटाणु बाहर निकले। अनुभव कीजिए। लंग्स क्लियर हो गए, इम्यूनिटी बढ़ने लगी। अब मेरा ये शरीर भरता जा रहा है इन शक्तिशाली पवित्रता के दिव्य प्रकाश से। ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो गया, श्वासें नॉर्मल हो गई, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो गई। इतना भर गया ये प्रकाश कि मेरे शरीर के रोम रोम से ये दिव्य प्रकाश बाहर निकल मेरे चारों तरफ के आभा मंडल को एक सुरक्षा कवच की तरह भरता जा रहा है। अनुभव कीजिए। सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर बन गया है। एक बैलून के रूप में मुझे अंदर समा रहा है। इसी तरह से ये और बढ़ता जा रहा है। पूरे घर में जिस स्थान पर आप हैं, इस बढ़ते हुए प्रकाश को देखिए। एक सुरक्षा कवच के रूप में ये सभी साथ रहने वाली आत्माओं को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। फैलाते जाएं इसको। और अनुभव कीजिए, जिस स्थान पर मैं आत्मा हूं वो स्थान चारों तरफ से सुरक्षित है। कोई भी कीटाणु, कोई भी नकारात्मक संकल्प प्रवेश भी नहीं कर सकता इसके अंदर। सील कर दीजिए, हील कर दीजिए। अब अपना ध्यान पूरी तरह से भ्रिकुटी के बीच चमकती हुई मणि, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, दिव्य सितारा, उस पर केंद्रित करती हूं। ये चमकता हुआ सितारा भ्रिकुटी के बीच मैं आत्मा, शक्तिशाली, पवित्र, पावरफुल,
अब मैं आत्मा पूरी तरह से इस देह को यही सुरक्षित छोड़ अपने फरिश्ताई लिबास में बेहद की सेवा के लिए ऊपर की ओर उड़ान भरती हूं। उड़ते हुए देखिए अपने आप को, चमकते हुए फरिश्ता लिबास में मैं आत्मा। पहुंच गए सूक्ष्म वतन जहां हम सभी फरिश्तों का वास है, हल्के लाइट और माइट से भरे। जहां परमात्मा हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनकी लाइट और माइट हम सभी फरिश्तों पर पड़ रही है। ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा का दिव्य आलौकिक प्रकाश हम फरिश्तों को शक्तियों और गुणों से भरपूर कर रहा है। परमात्मा जो सभी शक्तियों का स्रोत है, हम आत्माओं के पिता, सखा, सद्गुरु, गाइड हैं। उनके साथ हम सभी फरिश्ते उड़ चलते हैं ग्लोब की ओर, जहां आज इस कलयुग के समय में हर तरफ इस महामारी से अशांति, दुख, भय और पीड़ा चारों ओर फैली हुई है। अनुभव कीजिए कि परमपिता परमात्मा हम में भर रहे हैं ये रूहानी खुशबू। हम ग्लोब के अंदर प्रवेश कर पूरी सृष्टि के चारों ओर फैल जाते हैं। इस धरा का शुद्धिकरण करने के लिए अब देखें किस तरह से वातावरण का शुद्धिकरण हो रहा है। प्रेम की अगरबत्ती बन जाएं, करुणा का धूप अपने अंदर जलाएं, चारों तरफ रूहानी खुशबू फैलाकर वातावरण को शुद्ध बनाएं। चलो हम सभी फरिश्ते मिलकर सारे विश्व को शुद्ध बनाएं, वातावरण में ये खुशबू फैलाएं।
चरण को चलो।